अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद और आप लोग देख रहे हैं WB न्यूज़ हेडलाइंस। दोस्तों 2022 की यूपी चुनाव अभी एक लंबा समय है, कम से कम 6 से 7 महीने बाकी है, लेकिन चुनाव के लीडर्स चुनाव में कुछ इस तरीके से उतर पड़े हैं, चुनाव के मैदान में कुछ इस तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आजकल ही चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे, यही डिस्कस करेंगे कि यूपी चुनाव में कितना क्या क्या होने वाला है और यूपी चुनाव किस तरीके का होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हर बात पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट बनाना, किसी पॉलिटिकल लीडर को टारगेट बनाना, आई थिंक मेरे ख्याल से ये गलत है। तो आज हम एक इसी बात को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि काफ़ी बार हमने देखा है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, जो कि हैदराबाद से हैं, उनको उन पर एक लंबा टारगेट बनाया जाता है, उनको एक टारगेट बनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी एक टारगेट बनाया गया था जो कि फेल हो चुका है। दोस्तों बिहार में जिस तरीके से इलेक्शन हुआ, विधानसभा इलेक्शन, उसमें लोगों ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में आने के बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी को जिता दिया, बीजेपी की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जबकि किसी और ने उसको जिताया है। असदुद्दीन ओवैसी का इस पर कोई हाथ ही नहीं था, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने नेताओं से काफ़ी बार ये कह चुके थे कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हम जो है आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं और ये अफवाह फैलाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी को जिता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल इलेक्शन में, जब बंगाल के 2021 चुनाव हुआ था 2021 में, तो इस चुनाव में एक लंबी खेड़ छिड़ी थी। लोगों ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी की बात को निभा रहे हैं। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी पहले बंगाल में लड़ना नहीं चाहते थे, बंगाल में पता नहीं बीजेपी ने उनको कितने रुपए दे के अब बंगाल में भी आ चुके हैं। इलेक्शन के वक्त ये बातें, अफवाहें, बातें चल रही थी, लेकिन बता दूं कि बीजेपी के असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल में आने से जिन जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, उन उन जगहों पर जो है बीजेपी फेल हो चुकी है, हार चुकी है, और अधिकतर वोटों से उन जगहों पर TMC जीती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी और की बातें नहीं हो रही है, बस MIM और बीजेपी TMC की बात हो रही है। तो अगर दूसरी जगह पर देखा जाए तो MIM से ज़्यादा वोट और अन्य पार्टियों को मिली है, जैसे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि नोटा, ये सब चीज़ें पार्टियों को भी बंगाल में वोट मिली है ओवैसी की पार्टी से ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे, जो कि बीजेपी का बी टीम बताते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये लोगों की गलत फहमी है, इसको दूर करना चाहिए। तो इसी को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं कि इस बार 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने ये साफ कर दिया है, उनकी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी को छोड़कर कोई सी भी पार्टी अगर हमारे साथ अलायंस करना चाहती है तो हम तैयार हैं, 100% हम इसका खुला साबित करते हैं, 100% हम इसके साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की 25% सीटों पर हमारे कैंडिडेट MIM उतारने जा रही है। देखिए 2022 का इलेक्शन है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए, और बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा का अलायंस काफ़ी नहीं है, और हमारे दरवाजे सारे लोगों के लिए ओपन हैं, वो समाजवादी हो या बहुजन समाज हो। बीजेपी को रोकने के लिए अगर वाकई में ये जो दो बड़ी रीजनल पार्टियां हैं अगर ये सीरियस हैं तो ड्राइंग रूम में बैठ करके नहीं, अब इनको सड़कों पर आना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ये दावा कर दिया है कि बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी अगर हमारे साथ जुड़ती है तो हम उनके साथ समर्थन करने देने के लिए तैयार हैं, उनके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि हम जिस जगह पर भी लड़ते, जैसे कि उन्होंने बिहार में इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने बिहार के बारे में बताया कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आने से ही बीजेपी जीत गई। बंगाल में लड़ा तो बंगाल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कोई बोल नहीं पाया इस बात पर, अगर हो जाता तो शायद कि इसी को दोस्त खोजते। अगर बीजेपी में फॉर एग्जाम्पल अगर बीजेपी की सरकार बन जाती मुश्किल से बंगाल में, तो इसका दोष भी ओवैसी को भी कोसते लोग। इस वजह से अभी कुछ दिन हुआ ये मामला एकदम साफ है, चुपचाप से बैठा दिया गया है। एक बात आपको और भी बता दूं कि इस बार जिस तरीके से अगर पिछले बार की इलेक्शन यूपी के इलेक्शन को देखा जाए, पिछले बार की विधानसभा चुनाव को देखा जाए, तो पिछले बार जिस तरीके से एक तरफा लोगों ने वोट डालकर जिस तरीके से पिछले कई सालों से 5 सालों में किसी और की सरकार रखी, 5 सालों में फिर किसी और की सरकार रखी, सपा बसपा इन सब की सरकार इसी तरीके से 5 साल में बदलती रही, इसी तरीके से जब भी लोग एक तरफा वोट देते हैं, एक चटिया वोट देते हैं तो उसी की सरकार बनती है। तो इस बार मेरे ख्याल से चाहे गठबंधन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर लोग एक तरफा वोट देंगे तो ये सब कुछ सब फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर एक तरफा वोट ना दे तो शायद कुछ कामयाब हो।
तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट टारगेट ना करें, उसको समझे, उसकी रियलिटी को जाने, उसके बारे में समझे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं ओबीसी और AIMIM के रियलिटी को बताऊँगा कि असल में ये है क्या। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी को मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पार्टी के बारे में मैं कोई गलत अफवाह नहीं फैला रहा हूँ। बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो रियलिटी है, जो हक सच्ची बात है, वो आप तक पहुँचे, वो आपके सामने पहुँचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।